हेलो, आवाज आ हाँ रही है सर मेरी? आवाज आ रही है। गुड इवनिंग, नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। मेरा मैं डॉक्टर निशान टाक, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र में हिंदी सत्र के 571वें दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IIPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी का ज्ञान का आदान प्रदान करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलम अवतार सिंह मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को आज के जो गेस्ट हैं उनका थोड़ा ब्रीफ में परिचय देना चाहता हूँ। ग्रेजुएट फ्रॉम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ 1984, डिड ग्रेडेड डिग्री इन 1993, कंफर्म विद MD इन 2001। मैम की दो रिटर्न बुक्स है, होम्योपैथी एंड माइंड मेथड, को ऑथर डॉक्टर अमरजीत सिंह मान, डॉक्टर भूपिंदर सिंह, डॉक्टर नीलम अवतार सिंह मैम। और सेकंड बुक है मेरे वाले सेफिरे 51 केसेस स्टडी, और एडिटर ऑफ होम्योपैथी कम्युनिटी जनरल फॉर 20 ईयर फॉर फ्रॉम 1995 2015। मैम हवाज चीफ एडिटर ऑफ डेयर जनरल फ्रॉम 4 ईयर टू। मैम रिटन मेनी आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर जनरल एंड मैगजीन्स अबाउट होम्योपैथी, और मैम रन फ्यू चैरिटेबल डिस्पेंसरी विथ नॉमिनल चार्ज। मैम डिलीवर स्पेशल लेक्चर एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया लाइक लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, रोहतक, मेनी प्लेसेस इन पंजाब। डिलीवर स्पेशल गेस्ट लेक्चर इन USA टू। और मैम का एक स्पेशल यूट्यूब चैनल भी है जो जो रेगुलरली मैम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। लगभग 500 से ज़्यादा पोस्ट इन्होंने अपलोड की है मैम ने, जिसका चैनल का नाम है होमियो हीलिंग। और मैम का एक वेबसाइट भी है होमियो हीलिंग नाम से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वोकल कॉर्ड इश्यू विथ सक्सेसफुली क्योर केसेस। और मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करता हूँ कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो बहुत हैरान हुई ये सुन के कि बहुत सालों से आपके इस इंटरनेशनल फोरम पे मलयालम एंड इंग्लिश एंड हिंदी का ये अब ये बहुत डेली बेसिस पे चल रहा है। दिस इज समथिंग वेरी गुड। इसे दो चीजों का फायदा होता है। एक तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका उनको नई नई चीजें मिलती हैं, नए नए केसेस हम प्रेजेंट करते हैं वो देखने को मिलते हैं। और दूसरा आम पब्लिक को, जो आम लोग हैं उनको पता चलता है कि होम्योपैथी भी कोई अच्छी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें बहुत तरह के केसेस को ठीक किया जा सकता है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू आर डूइंग सो गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑन वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स जिससे जो गले में होता है, जिससे आवाज निकलती है हमारी, अगर इसमें कुछ भी हो जाता है तो आप बोल नहीं सकते अच्छी तरह से, आपकी होर्सनेस हो जाती है आवाज में, गला बैठ जाता है, आवाज कई बार निकलती ही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। अभी तक मैंने जितने भी केसेस, मुझे लगता है मैंने 30 40 50 केसेस तो इसके ठीक किए होंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स सिंगर्स में आती है, जिन्होंने बहुत देर तक अपने गले का इस्तेमाल करना है और जिनको बहुत ज्यादा देर रियाज करना पड़ता है, सिंग करना पड़ता है 8 8 10 10 घंटे। और जब उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं तो वहां पे भी उन्होंने 5 5 घंटे 4 4 घंटे गाना ही होता है कॉन्टिन्यूअसली। तो सबसे ज्यादा वोकल कॉर्ड्स की प्रॉब्लम सिंगर्स में आती है।
उसके बाद दूसरे लोग आते हैं जो टीचर्स हैं, उनको भी बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। तो जितना वोकल कॉर्ड का ज्यादा इस्तेमाल होता है, उतनी वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तीसरे, वो प्रोफेशनल लोग हैं जो जैसे कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं, कुछ अपने स्पेसिफिक फील्ड में लेक्चर देते हैं, जिनको ज्यादा बोलना पड़ता है, जिनको ज्यादा लोगों से डील करना पड़ता है, वो लोग भी वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम से सफर होते हैं। वोकल कॉर्ड में मोस्टली कितनी किस तरह की प्रॉब्लम हम देखते हैं, इसमें नोड्यूल हो सकता है, जब वो एंडोस्कोपी करते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें नोड्यूल है, छोटी छोटी गिल्टियां बन गई हैं, इसमें सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट जो होते हैं वो पानी के जैसे ब्लिस्टर्स होते हैं, छाले होते हैं, वो हमारे अंदर वोकल कॉर्ड में होते हैं। या तीसरी चीज पॉलिप होता है। ये तीन मेन चीजों के मैंने केसेस देखे हैं। तो जो आज का सारा लेक्चर होगा, मैंने केसेस तो 10-15 निकाले हुए हैं, लेकिन 1 घंटे में मैं जितने ज्यादा से ज्यादा केसेस आपको बता सकूं, मैं उतनी कोशिश करूंगी। मेरे कुछ पुराने केसेस हैं, ये जो सबसे पहला केस है, ये मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मैंने पता नहीं कितने लेक्चर्स में बताया होगा, लेकिन मैं अभी अभी भी शॉर्ट में थोड़ा सा बिल्कुल इसके बारे में जिक्र जरूर करना चाहूंगी। सो ये एक सिंगर थे, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये लोग सिंगर्स होते हैं जिनके गले की प्रॉब्लम होती है। तो ये एक सिंगर थे चंडीगढ़ के, बहुत रिनाउंड सिंगर। तो इनको वोकल कॉर्ड में सिस्ट हो गया। हमारे इधर पीजीआई है चंडीगढ़ में, जहां पे जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है नॉर्दर्न एरिया का, वहां पे गए तो उनको दिखाया, उन्होंने बोला कि आपके सिस्ट है एक बना हुआ, तो आप बोलो तो उसकी सर्जरी कर देते हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं देते कि वो ठीक हो जाएगा 100% और आपकी आवाज दोबारा वापस आ जाएगी। तो पेशेंट डर गए इस बात से कि ओ हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज ही, क्योंकि उसकी आवाज ही उसकी जिंदगी है, उसकी आवाज ही सब कुछ है। सिंगर्स की तो आवाज ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपरेशन तो नहीं करवाना। फिर उन्होंने स्टीरॉइड्स दिए, फिर उन्होंने एंटीबायोटिक्स दिए। 1.5 साल उन्होंने वहां से पीजीआई से ट्रीटमेंट करवाया। जैसे मेरा अभी इन्होंने बताया कि मेरे चैरिटेबल यूनिट्स है, तो ये मेरा चैरिटेबल यूनिट एक मोहाली में था पहले, अभी तो वो चैरिटेबल ज्यादा नहीं रहा। तो उस चैरिटेबल यूनिट में किसी ने इनको भेजा कि डॉक्टर नीलम अवतार सिंह के पास जाओ। तो वो मेरे पास आए और मैंने बोला जी बताइए प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने बताया कि गले में ऐसे ऐसे सिस्ट है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका सर्जरी होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सर्जरी हो, कहीं वही बात ना हो कि सारी उम्र के लिए अपनी आवाज ही खो दूं। तो मैंने कहा इसके बारे में बताओ। कहते डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या बताना है, इतनी मेहनत करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, एक लेवल तक पहुंचा हूं, लोग मुझे जानते हैं और लोगों में मेरी पहचान है, मेरी सोसाइटी में मेरी पहचान है, एक पोजीशन है। अगर मेरा ये गला खराब हो गया, अगर ये मेरी सिंगिंग बंद हो गई, मेरा तो जो मेरी ये पोजीशन है वो मैं तो खो ही दूंगा, इस चीज का मेरे मन में हमेशा डर रहता है। तो बस इतनी सी बात बोली उन्होंने। जब भी हम केसेस लेते हैं तो वो मेंटल बेसिस पे, मेंटल बेसिस क्या होता है कि पेशेंट की साइकी क्या है। एलोपैथी में इन चीजों के कोई मायने नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में जो माइंड है, माइंड सब कुछ, दिमाग सब कुछ कंट्रोल करता है। माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने माइंड को समझ लिया किसी पेशेंट के, समझो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो मैंने, ये तो बहुत शुरू की बातें हैं, जब हमने ये सिस्टम माइंड टेक्निक अभी स्टार्ट ही किया था, 5-7 साल ही हुए थे, तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो मुझे लगा मैंने वो रूब्रिक्स बनाए, क्योंकि ये इंटरएक्टिव सेशन नहीं है या हम इतना टाइम नहीं दे सकते, तो मैं आपको वो रूब्रिक्स बताती हूँ जो मैंने बनाए। पहला
हमेशा मैं वो रूब्रिक लेती हूँ जो पेशेंट की बीमारी, तो यहाँ पे बीमारी क्या है कि उसके जनरल बेनाइन सिस्टिक ट्यूमर है। दूसरा उसने बोला कि डॉक्टर साहब मैं बड़ी मुश्किल से एक पोजीशन पे पहुंचा, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन्स, वो एक खुद को समझता है कि मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं कुछ चुनिंदा लोगों में हूं, डिल्यूजन डिस्टिंग्विश्ड। और जो डर है, आज उसने जो पोजीशन हासिल की है, जो उसकी जो उसका स्टेटस है, उसके खो जाने का डर कि अगर मैं गा नहीं सका, मेरा तो सब कुछ दांव पे है। फियर अबाउट हिज सोशल पोजीशन, फियर टू लूज हिज ल्यूक्रेटिव पोजीशन, जो उसकी आज की ये ल्यूक्रेटिव पोजीशन बनी इस बात के खो जाने का डर। और जब वो आया तो 500 बाउंसर्स उसके साथ बाहर गाड़ी में कितने लोग खड़े थे, जो 3-4 लोगों को लेके आया, मुझे लगा कि वो उसका फुकरापन है, बोस्टर, ब्रेगर्ट, रिच विशेस टू बी कंसिडर कि मैं एक नामी बंदा हूँ, आई एम अ ग्रेट पर्सन, आई एम डिस्टिंग्विश्ड एंड बोस्टर। तो मैंने जैसे ये सारे रूब्रिक्स डाले, देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, दैट वाज वीरेट्रम। तो आई जस्ट गिव, हम हर केस में, बहुत बार लोग पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि कैसे पोटेंसी देते हो, तो हमारी एक एसोसिएशन है ASRH, उसमें हमने एक बार डिसाइड किया था अबाउट 93-94 में कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, कोई 1 mm यूज करता है, कोई 10 mm यूज करता है, कोई कुछ करता है। हम हर केस 30 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डिसेंडिंग में 6 में भी जा सकते हैं, 6 नहीं है तो आप 200 में जाओ, 200 के बाद 1 mm में जाओ। तो मैंने इनको विरेट्रम एल्बा 30 की एक डोज इनको दी, और इनकी, इन्होंने मुझे बोला कि मेरी रिकॉर्डिंग डॉक्टर साहब 3 बार कैंसल हो चुकी है। हर बार मैं रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ, मेरे से गाना ही नहीं गाया जाता, क्योंकि ये हाई पिच वाले सिंगर है, तो इनसे हाई पिच में गाया ही नहीं जाता था। तो और बोले मुझे आके कि आज भी मेरी रिकॉर्डिंग है, तो देखो क्या होता है। मैंने 12 बजे इनको दवाई दी, इनकी शाम के 7-8 बजे रिकॉर्डिंग थी, ये अपने रिकॉर्डिंग सेंटर गए, एंड सरप्राइजिंगली इन्होंने 5 गाने रिकॉर्ड किए ऑन दैट वेरी डे। ये भी नहीं कि जी वो 10 दिन के बाद थी, 15 दिन के बाद थी, ऑन दैट वेरी डे, उसी दिन उन्होंने 5 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। और वो भागे भागे आए अगले दिन मेरे पास कि डॉक्टर साहब कमाल ही हो गया। देन ही वेंट टू पीजी वंस अगेन, वहां जाते हैं तो वहां उनको बोलते हैं कि मेरा गला देखिए दोबारा से। जब उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई सिस्ट नहीं है अभी, यहाँ पे जस्ट एक निशान है, एक स्कार है कि देयर वॉज समथिंग। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल केस ऑफ वोकल कॉर्ड सिस्ट। इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा एड और करना चाहती हूँ कि सिस्ट क्या होता है। सिस्ट एक पानी का छाला होता है, एक ब्लिस्टर काइंड ऑफ थिंग होती है, एक ऐसा छाला होता है, एक ऐसा ट्यूमर कह लो होता है, जिसमें पानी भरा होता है। मेडिसिन दी, वो फट गया, खत्म। जैसे ही विरेट्रम एल्बम दी, वो खत्म। और उन्होंने उसी रात इतने 5 गाने गाए, और वो मुझे स्पेशली बता के गए। फिर उनको उनकी साइकिल चलती रही 2-3 महीनों तक। तो ये इस तरह से ठीक हुए। अभी हम एक और केस की बात करेंगे। ये एक बहुत बार बोलते हैं कि छोटी छोटी 2-3 बातें नोट की, क्योंकि हमारे यूनिट्स पे बहुत रश होता है, 80-90-100-100 पेशेंट्स होते हैं, कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम टू द पॉइंट बात लिखते हैं, लेकिन लिखते सब कुछ है, टू द पॉइंट बात लिखी और रूब्रिक्स निकाले, लेकिन मैं हर केस में रूब्रिक्स सेलेक्ट करती हूँ, हर केस में
मैं मेडिसिन की सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेपर्टराइजेशन करती हूँ, ये नहीं कि हर केस में अच्छा इसका पैरालिसिस हो गया चलो कॉस्टिकम दे दो, इसका वो हो गया चलो वो दे दो, नो। अगर आपने भी एक सक्सेसफुल होम्योपैथ बनना है तो आपको हर केस को एक तरीके से लेना होगा, चाहे छोटा ले लो जो उसकी मेन प्रॉब्लम है वो ले लो, लेकिन उसको रेपर्टराइज करना पड़ेगा। ये एक बहुत छोटा सा केस है, इट वाज इन 17। तो एक लेडी मेरे पास आती है अबाउट 36 इयर्स के, वो मुझे कहते हैं कि एक तो मेरी चेस्ट में बहुत भारीपन रहता है और जब मेरे पीरियड्स आते हैं तो वो भारीपन ठीक हो जाता है, दूसरा मेरी आवाज सुबह जब उठती है तो ठीक होती है लेकिन रात होते होते मेरी आवाज बंद हो जाती है, आवाज रोज रात को बंद हो जाती है। थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ब्लीडिंग नॉर्मल सी होती है, थोड़ी ज्यादा भी कभी कभी हो जाती है। मैंने सिर्फ 2 रूब्रिक्स ली थी, जो ही दो बातें की, पहला वोकल कॉर्ड उसके स्पीच एंड वॉइस के अंडर आएगा कि रात को आवाज बिल्कुल खत्म हो जाती है, होर्सनेस हो जाती है टोटल, वॉइस होर्सनेस नट, सीधा सा सिंपल सा रूब्रिक है जिसमें 13 मेडिसिन है। दूसरी बात बोली चेस्ट में हैवीनेस होती है जो कि पीरियड्स आने पे बेटर हो जाती है, ये दूसरा रूब्रिक लगाया। मेडिसिन आई कैल्केरिया फ्लोर और कैल्केरिया फ्लोर 30 की एक डोज थी, 15 दिन के बाद दोबारा आते हैं और कहते हैं कि बहुत ठीक है आवाज भी काफी फर्क पड़ गया, और कुछ नहीं दिया सेकलेक चलता रहा। ये मेरे पास आए थे 23/6/17, 28/7/17 को जस्ट आफ्टर 1 मंथ, 5 हफ्तों के बाद ये मुझे कहते हैं कि 100% ठीक है, दोनों प्रॉब्लम्स ठीक है 100% विद जस्ट 1 डोज ऑफ कैल्केरिया फ्लोर। ऐसे रिजल्ट हमें सबको मिल सकते हैं, सिर्फ दो चीजें ली थी, वॉइस होर्सनेस नाइट एंड हैवीनेस मेंसेस एमिलेरेटेड कैल्केरिया फ्लोर एंड नथिंग एल्स, कोई और दवाई थी भी नहीं। तो कैल्केरिया फ्लोर ने पता नहीं इनके गले में क्या होगा, शायद नोड्यूल होगा, शायद कोई सिस्ट होगा, वो भी ठीक हो गया। कई लोग तो चेक नहीं करवाते, आजकल तो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से डरते हैं तो अक्सर चेक करवाते रहते हैं। अब एक और बहुत सुंदर केस, बहुत ज्यादा जो मुझे लगता है कि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके ये एक लेडी है 55 इयर्स की जिनके वोकल कॉर्ड में पॉलिप है, ये कहते हैं कि मेरा ये जो वोकल कॉर्ड पे सिस्ट है या पॉलिप है जो भी है, इन्होंने जो बताया, तो मेरी आवाज बैठी हुई है, मेरी आवाज निकलती ही नहीं है, मैं बोल ही नहीं सकती, आवाज ही नहीं निकलती। फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने पता नहीं क्या क्या यहाँ पे अंदर डाल डाल के, कैमरे डाल डाल के मुझे चेक किया, एंडोस्कोपी की, तो पता नहीं कितने डॉक्टर्स को दिखाया। मैं सिर्फ ब्रीफ में वो बातें बताऊंगी जो मेन इसमें थी। तो उन्होंने बोला कि होर्सनेस बहुत रहती है और बहुत जगह पे चेक कराया, डॉक्टर्स ने एक ही बात बोली कि ऑपरेशन होगा, पर मैं नहीं ऑपरेशन करवाती, कभी होम्योपैथी ली नहीं, कभी पता ही नहीं कि होम्योपैथी लेनी चाहिए इन चीजों में, उनको बिल्कुल नहीं पता था। फिर जैसे हम माइंड के बारे में पूछते हैं कि किस तरह का स्वभाव है, गुस्सा गुस्सा कितना आता है, तो उन्होंने बोला जी गुस्सा तो बहुत आता है, बुल बुल देती हूँ, कह कू देती हूँ, और कहने के बाद 2-4 मिनट में 5-10 मिनट में बस ठीक, बोल दिया बात खत्म। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिसमें इस तरह का गुस्सा होता है, कह दिया बोल दिया बात खत्म, दिमाग में भी बात नहीं रहती, ये नहीं कि दिमाग में सोची जाना कहना नहीं, नो, कह दिया बोल दिया 2-4 मिनट में बात ही भूल जाती है कि क्यों गुस्सा हुई थी। बहुत ज्यादा धार्मिक विचार और बच्चों की परवाह,
कोई चिंता फिक्र कोई ज्यादा नहीं है। एंड एक इन्होंने बोला था कि बेटे के लिए सुख मानी थी, तो मैं हर कुछ दिनों के बाद मैं गुरुद्वारा साहिब जाती हूँ, तो ये मैंने किया हुआ। मुझे किडनी की भी प्रॉब्लम है, मेरा क्रिएटिनिन हाई रहता है, तो जब देखा कि कितना था क्रिएटिनिन, इट वाज नॉट टू हाई, बस सीरम क्रिएटिनिन वाज 1.8, कोई इतना ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा हाई उस पे था। तो पाठ पूजा ज्यादा करती हूँ, यही सब कुछ। और हुआ क्या था इस केस में कि ये लेडी जब इसको किसी ने, हम मेरे कोई पेशेंट है उन्होंने बताया, और इन्होंने, तब मैं अमेरिका गई हुई थी, तो ये 1 महीना पता नहीं कितने दिन वेट करते रहे कि जब डॉक्टर साहब आएंगे तो उनको दिखाना है। फिर जब आए, आके दिखाया, मैंने इनको मेडिसिन दी और गाड़ी में वो बैठे, गाड़ी में बैठते यहां से लेके दवाई की एक डोज ली, 5 मिनट लगे गाड़ी तक बैठते बैठते, 5 मिनट में इनकी आवाज पूरी आ गई थी। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल केस। तो पहले हम रूब्रिक्स की बात कर लेते हैं, जो इन्होंने 3 4 बार बोला कि वो पता नहीं क्या कैमरे मुंह में डाल डाल के, ओ हो क्या वो करते हैं, बेसिकली दैट इज एंडोस्कोपी, के देखें वोकल कॉर्ड में क्या है। तो उससे वो उनको लगता था कि ये तो झमेला है। सो दिस इज लाइफ डिजायर फॉर पेशेंट को, ऐसे झमेले झमूले ज्यादा पसंद नहीं है, तो उनको लगा कि क्या करते हैं ये, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं अंदर, क्या क्या डाल डाल के किया। तो दिस इज लाइट डिजायर फॉर, जो लोग ज्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, दिस इज लाइट डिजायर, हल्का फुल्का रहना कि ठीक है प्रॉब्लम हो गई है दवाई ले लेते हैं ठीक हो जाएंगे, इस तरह से। दूसरी बात, जो उन्होंने कुछ सूखा हुआ है, जो कुछ मन्नत मांगी हुई है, तो उस तरह का जो होता है हम लोग उसको सुपरस्टिशियस लेते हैं। जिंदगी में जो होना है वो तो होना ही है, या जो जैसा लिखा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो होना होता है वैसे ही होना होता है, लेकिन जो लोग ज्यादा सुपरस्टिशियस वहम को मानते हैं, तो वहां पे हम इन चीजों को सुपरस्टिशियस लेते हैं। साथ में रिलीजियस अफेक्शन, धार्मिक पाठ करना, धर्म पे ज्यादा विश्वास करना, ये सब कुछ, एंड टोटल लापरवाह, एंड एंगर मोमेंटरली हमारा कोई रूब्रिक नहीं है, लेकिन डॉक्टर ML सहगल जी का ये विजन था कि उन्होंने एंगर मोमेंटरली रूब्रिक बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ मोमेंटरली, जस्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स, पेशेंट को गुस्सा आता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि ये हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। तो जब मैंने ये 4 5 रूब्रिक्स डाले और भी एक दो लिए, तो बेलाडोना वॉज द मेडिसिन, बेलाडोना 30 की एक डोज यहाँ पे दी, कार तक पहुंचे, बाहर कार खड़ी थी, 5 मिनट्स लगे उनके, 5 मिनट्स में, हो सकते हैं वो सिस था, वो छाला फूटा और उनकी आवाज क्लियर। ये कितने लापरवाह काइंड ऑफ पेशेंट थे ये वाले। मुड़ के दोबारा वो महीना भर मेरे पास नहीं आए, 15 दिन की शायद दवाई, महीना मुझे लगता है महीने से भी ज्यादा, वो बहुत दिनों तक मेरे पास नहीं आए। जब दूसरी बार आए तो पहले किसी से मंगवा ली दवाई, फिर जब महीना 2 महीने के बाद आए तो मुझे कहते, डॉक्टर साहब आपको पता है मेरा किस तरह से ठीक हुआ था? मैंने कहा नहीं, आई डोंट नो। तो कहते मेरा किडनी भी ठीक हो गई है, मेरा ये भी ठीक हो गया। तो मैंने कहा कैसे? इतने में मेरे हस्बैंड अंदर से आते हैं, डॉक्टर अवतार सिंह, वो यहाँ से निकलने लगते, तो उनको कहते सुनो सुनो डॉक्टर साहब मैं आपको बात बताऊं।
उनको अपनी सारी स्टोरी बताई कि डॉक्टर नीलम अमेरिका गए हुए थे, और फिर मैं इनकी वेट करती रही, फिर मैं एक दिन आई, जैसे इन्होंने मुझे दवाई दी, कार तक पहुंचते पहुंचते मेरा गला 100% ठीक हो गया। आई वॉज ऑल्सो एस्टोनिश कि वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह से इनका गला ठीक हुआ। और जब उनका ब्लड यूरिया जो लेटेस्ट रिपोर्ट लेके आए थे, ब्लड यूरिया वॉज 37 एंड सीरम क्रिएटिनिन वॉज 1.3, मतलब कि ये भी 1.8 से 1.3 आ गया। सो जो फ्रिवलस काइंड ऑफ लोग होते हैं, जो सुपरस्टिशियस होते हैं, जो धार्मिक भी होते हैं, अनरिलायबल इन प्रोमिसेस होते हैं, एंगर मोमेंटरली होते हैं, वो सब बेलाडोना में आते हैं। डॉक्टर एम एल सैगल कहते थे कि 30% केसेस जो होते हैं वो बेलाडोना के होते हैं। बंदा उसमें दोनों स्टेजेस हैं, एक स्टेज में उसको कोई परवाह नहीं है कि दवाई लेनी है ले लो, लेनी है नहीं लेनी ना सही, इस तरह के लापरवाह, टोटली फ्रिवलस। और दूसरे होते हैं जो अभी प्रॉब्लम हुई अभी भागे आए, कैरी डिजायर टू बी फास्ट में आकर। सो दिस इज द थर्ड केस जिसमें इनकी, अगर फ्रिवलेसनेस की बात करें, पहली बार दवाई लेके गए, दूसरी बार 15 दिन पता ही नहीं कहाँ गायब रहे, फिर अपने किसी रिलेटिव से मंगवा ली, फिर मुड़ के 2 महीने आई नहीं। ये फ्रिवलेस होते हैं, इनको पता ही नहीं, इनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो इनको साल 2 साल से थी वो कितनी ठीक हुई, लेकिन अभी भी शी वॉज नॉट सीरियस अबाउट हर मेडिसिन। फिर इन्होंने अभी भी कभी कभी आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई दे दो, और ये बात है 21 की, आज 24 खत्म होने जा रहा है, और इनको कोई किडनीज की प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी जब इनको जाग आती है 2-4 महीनों के बाद, तो वो मुझसे मेडिसिन मंगवा लेते हैं। तो कभी कभी हम बेलाडोना दे देते हैं, कभी कभी हम सैकलक दे देते हैं, जिस तरह की कोई प्रॉब्लम इनकी होती है। अभी हम बात करेंगे फोर्थ केस की, वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये भी वोकल कॉर्ड सिस्ट का केस है, तकरीबन 5-6 साल से इनको प्रॉब्लम थी, वॉइस बैठ गई, इनकी आवाज जो है वो बैठ गई, होर्सनेस आ गई, और फोन किया इन्होंने मुझे कि लंबा टाइम बोलने पे इनकी जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आपको पता है मुझे क्या बोलते हैं ये? मुझे कहते हैं 4 डॉक्टर्स को मैं फेल कर चुका हूँ, 4 डॉक्टर्स से मैं ऑलरेडी मेडिसिन ले चुका हूँ, एंड ऑल द 4 डॉक्टर्स दे आर फेल। मैंने बोला मुझे फेल करना है आपने, तो कहते नहीं। मैंने कहा बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है, कहते एंडोस्कोपी करवाई थी तो सिस्ट निकला, नोड्यूल निकला एक, तो सडनली वॉइस खत्म हो जाती है, डॉक्टर्स ने सर्जरी रेकमेंड की है, और लेकिन मैं सर्जरी तो नहीं करवाऊंगा, पर मैं आयुर्वेदिक ले रहा हूँ मेडिसिन फॉर लास्ट फ्यू डेज, 15-20 दिन से। तो मैंने कहा एक बात सुन लीजिए, अगर इफ यू आर टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, पहले उसका कोर्स खत्म कर लीजिए, 1 महीना लेनी 1 महीना ले लो, 2 महीना लेनी 2 महीने, मेरे पास तब आना जब आपने होली सोली होम्योपैथी ही लेनी हो, चाहे आप 10 दिन, आपकी फीस मेरे पास डिपॉजिट हो चुकी है, आप चाहे 10 दिन के बाद आ जाओ, लेकिन आपको सिर्फ होम्योपैथी ही लेनी पड़ेगी, ये नहीं कि साथ में एलोपैथी ले रहे हैं, साथ में आयुर्वेदिक ले रहे हैं, साथ में यूनानी ले रहे हैं, नो नॉट एट ऑल। बड़े क्लियरली मैं सभी लोगों को यही बोलती हूँ कि अगर कोई आपको इमरजेंसी है, जैसे मान लो किसी की ब्लड प्रेशर एंड शुगर की दवाइयां चलती, वो हम बंद नहीं कर सकते, तो वो कंटिन्यू रखें, लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम के लिए वो दूसरी दवाई भी ले रहे हैं, मेरी भी ले रहे हैं, तो आई ऑलवेज रिफ्यूज कि मैं दवाई अभी नहीं दूं, पहले आप वो दवाई खत्म कर लो, उसका इफेक्ट देख लो, अगर लगता है ठीक है वेल एंड गुड, नहीं ठीक तो फिर देन आई विल गिव यू मेडिसिन।
ही सेड ओके आई विल वेट फॉर 15 डेज। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एडवाइस टू टेक आफ्टर स्टॉपिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, एडवाइस टू टॉक टू मी आफ्टर टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो 15-20 दिन हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा ना एलोपैथी से ना आयुर्वेदिक से। मैं मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आई कंडेम एनी सिस्टम, कोई हर सिस्टम में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी है। तो होम्योपैथी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे इमीडिएट इमरजेंसी कई बार कवर ही नहीं होती, वो एलोपैथी में इमरजेंसी बहुत जबरदस्त है। अब हम बात करते हैं इस केस की। मैंने कहा जी बताइए, कहते बात करने से मेरी तकलीफ बढ़ जाती है और अब तो मैं बिल्कुल हताश हो गया कि क्या करूं, क्या मेडिसिन लूं, कहाँ से लूं। तो आवाज मेरी निकलती है, बोलने पे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और क्योंकि मेरा काम कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के साथ, लेबर के साथ बात करनी पड़ती है, और जब बात ज्यादा करता हूं तो बस फिर आवाज खत्म, आवाज बंद। तो मैंने कहा जी गुस्सा गुस्सा कितना आता है? तो गुस्सा तो बहुत आता है क्योंकि लेबर से काम करवाना होता है, लेबर ढंग से काम करती नहीं है, मैं तो गालियां गुलियां भी निकाल देता हूँ उनके साथ, ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है और काफी ज्यादा मुझे उन पे गुस्सा आता है। मैंने तो एलोपैथी के एंटीबायोटिक्स के पता नहीं कितने कोर्सेस लिए हैं। तो मैंने कहा कि चिंता फिक्र, कहते चिंता फिक्र तो बहुत होती है। मैंने कहा किस बात की? कहते एक तो हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी के अपने फैमिली में, उसका एक तो बहुत होता है, दूसरा मेरी कोई इनकम इतनी ज्यादा भी नहीं है कि मैं बड़े आराम से सारे डॉक्टर की फीस भी दूं, ऑपरेशन भी करवा लूं, ये नहीं करवा सकता। और घर वालों की चिंता, मेरे पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, उनकी चिंता, उनकी सेहत की चिंता बहुत ज्यादा रहती है। सो दिस वॉज द केस। थर्मल्स हैं दोनों, सेंसिटिव हूँ गर्मी भी ठंड भी, खाने में मीठा कम ही लेता हूँ, नमकीन भी ज्यादा नहीं लेता। सो दिस वॉज द केस। अब इस केस में जो मेन बात है, जो सबसे, ये फर्स्ट टाइम मैं केस बता रही हूँ, ये एक नया वाला केस है। सो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, हर केस में 3-4 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप उस सिस्ट को या ट्यूमर को लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेशेंट की साइकी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहले इन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा मैं तो परेशान हो गया हूँ, 4 डॉक्टर्स को फेल किया है, लकीली आई वॉज द 5th वन हु सक्सीडेड, मेरे ट्रीटमेंट से वो बिल्कुल 100% ठीक हुए। के बहुत ज्यादा मैं तो, मेरा तो मन ही ऊब गया है दवाइयां खा खा के, क्योंकि 3 एलोपैथी में डॉक्टर्स को फेल किया, 1 आयुर्वेदिक को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। सो यहाँ पे हम लेते हैं डिस्करेज्ड एंड डिस्कस्ट। जब पेशेंट का मन नहीं करता दवाई लेने को, उसमें हौसला नहीं है दवाई लेने का कि क्या करूं, इतने इतने डॉक्टर्स को मैंने दिखा दिया, किसी से ठीक तो हुआ नहीं। और वो जब बंदा बात करता था तो बहुत ज्यादा तेजी में, हरी में, बड़ा इम्पेशेंट काइंड ऑफ लग रहा था। सो आई टुक बोथ ऑफ दीज रूब्रिक्स के काम किस तरह से करते हो, बहुत तेज, हरी एंड इम्पेशेंस। आप एक भी ले सकते हो कि काम के हिसाब से, हरी भी ले सकते हो, तो बहुत बड़े बड़े रूब्रिक्स हैं, 100-100 दवाई है इनमें। अब बात करते हैं उनके एंगर की, गुस्सा, एंगर वॉयलेंट, उसमें क्या करता है, एब्यूसिव, इंसल्टिंग। मैं जितने भी रूब्रिक लेती हूँ बिल्कुल सीधे साधे, बिल्कुल सिंपल वे में, ये नहीं है कि इसको वो ऐसा सोचता होगा, वो ऐसा करता होगा, कुछ नहीं, जो जो उसने बोला सिर्फ उस बात पे ध्यान देना है। तो एंगर वॉयलेंट एंड एब्यूसिव एंड इंसल्टिंग। और उसने क्या बोला,
कि जो मेरे घर की मेरी इनकम है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो कि मैं इस बात का मेरे ऊपर स्ट्रेस रहता है कि मैं अच्छी तरह से गुजारा करूं, या डॉक्टर्स की इतनी फीस दूं, या मैं ऑपरेशन करवाऊं। तो यहाँ पे हम लेते हैं डिसीजन पुअर ही इज, वो चाहे उसकी सैलरी हो, वो चाहे उसके घर के हालात हो, तो यहाँ पे लेंगे डिसीजन। अगर वो सैलरी की बात नहीं करता तो हमने ये रूब्रिक नहीं लेना था। दूसरा, उसने बोला कि हमारी प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, सो एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन ए रिलेटिव्स फ्रेंड्स, एलिमेंट फ्रॉम कॉल्स हम नहीं लेते, मैं नहीं लेती। मैं इसलिए नहीं लेती कि उसमें पहली बात तो दवाइयां ही पांच चार है, दूसरी बात दवाइयां बड़ी डिफरेंट है, उसमें कोई भी कॉमन मेडिसिन नहीं है, पांच सात मेडिसिन है बड़ी मुश्किल से, और वो सब की सब बड़ी डिफरेंट सी मेडिसिन है। तो मैं हमेशा एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड, लड़ाई झगड़ा, जो इनका 2 साल से डिस्प्यूट चल रहा है। एंड लास्ट वाले दो रूब्रिक्स के, घर वालों की चिंता होती है फैमिली की, और पेरेंट्स की हेल्थ की चिंता बहुत रहती है, एंग्जाइटी फैमिली अबाउट हिज एंड एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ, के रिलेटिव्स की, रिलेटिव्स कौन होते हैं, घर वाले सारे लोग रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली रिलेटिव्स हैं, फैमिली परिवार, जिस परिवार में सब इकट्ठे रहते हैं। तो अगर उनकी हेल्थ की चिंता है तो वो एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ आएगा। आई वॉज सरप्राइज्ड जब मैंने ये 8-10 रूब्रिक्स डाले, देर वॉज ओनली वन मेडिसिन एंड दैट वॉज हिपरसल्फ। वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी हिपरसल्फ बहुत बड़ी कॉमन मेडिसिन है, मेरी बड़ी फेवरेट मेडिसिन है, तो यहाँ पे दवाई इनकी निकलती है हिपरसल्फ। और सेकेंड मेडिसिन जो आती है दैट इज आर्सेनिक, लेकिन आर्सेनिक में डिल्यूजन पुअर नहीं होता। थर्ड मेडिसिन निकलती है सल्फर, उसमें भी डिल्यूजन पुअर नहीं है, आगे कॉस्टिका में उसमें भी नहीं है, और सल्फर में एंग्जाइटी अबाउट द हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स नहीं है। सो ऐसे हर मेडिसिन में कुछ कुछ नहीं था, लेकिन 2, 4, 6, 8, 10, 11 रूब्रिक्स में अकेली हिपरसेल्फ पूरी की पूरी सारी उसमें आई। आई गेव हिम 2 डोजेस ऑफ हिपरसेल्फ 30, और दिस वाज इन मार्च, देन अप्रैल एंड नो रेपिटेशन ऑफ मेडिसिन। आई थिंक ही वाज हिपरसेल्फ 30 फ्यू डोजेस, एवरी टाइम ही वाज गिवन सैकलैक, एंड विद इन 3 मंथ्स ही वाज 100% ओके। पहली बार ही जब उन्होंने 1 महीना दवाई लेके मेरे से दोबारा बात की, देन ही सेड के मैं तो बहुत ठीक हूं, उसकी आवाज से भी लगा कि ये तो बहुत ठीक है। एंड तीसरे महीने में चालू की थी, 7वें महीने में उन्होंने बोला कि आई एम 100% ओके, अभी जितना मर्जी बोलता रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पब्लिक के साथ जो लेबर है उसके साथ भी मैं झगड़ता रहता हूं, पर अब मेरी आवाज नहीं पे। सो सरप्राइजिंगली हिपरसेल्फ, जो कभी हम सोच नहीं सकते, हिपरसेल्फ ने तो मुझे मेरे बहुत सारे केसेस, लाइक 2-3 केसेस तो सिवियर डिप्रेशन के केसेस ठीक किए हैं। छोटा सा मैं इसके बारे में, हिपरसेल्फ के बारे में बताती हूँ कि किस तरह का पेशेंट होता है हिपरसेल्फ का। नंबर 1, हिपरसेल्फ को गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज्यादा बोल देना, बहुत ज्यादा कह देना, सब कुछ बोल देना, एब्यूसिव, गालियां निकालना, इतना ज्यादा गुस्सा आता है। यहां तक कि किसी को ये स्टैब भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा हिपरसेल्फ का। दूसरी स्टेज इसकी, ये मैंने वैसे बातें बहुत बार बताई हुई है डिफरेंट वीडियोस में,
दूसरी बात, इसको अपने घर वालों की, अपने फैमिली मेंबर्स की बहुत ज्यादा चिंता, जहां पे गुस्सा इतने के मार ही दू, वहां पे जब केयर वाला फैक्टर आता है, एंजाइटी वाला फैक्टर आता है अपने रिलेटिव्स के लिए, तो वो भी हद से ज्यादा आता है। शायद मैंने पीछे भी अपने 100 100 केसेस वाला जो मैं चल रहा है मेरा आजकल, 100 डेज 100 केसेस, शायद मैंने उसमें भी हिपर सेल्स की बात की है। तो ये दो चीजें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो मरने मारने की तरफ आ जाना, और दूसरी तरफ इतना ज्यादा परेशान हो जाना उनके लिए, घर वालों के लिए, के पूछो मत। ये दो फैक्टर्स। और कभी कभी मैं एक और चीज भी नोट करती हूँ कि कुछ जो पेशेंट्स हैं बहुत चिली होते हैं, हिपर सर्फेस वेरी चिली, बहुत ज्यादा, तो वो भी मैं फैक्टर इनसे जरूर पूछती हूँ। आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, लेकिन मैं अक्सर पूछती हूँ कि क्योंकि हिपर सर्फ का ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, तो इसमें हिपर सर्फ भी इस केस में एंड पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम, हमारे पास 15 मिनट हैं, तो अभी हम एक और केस की बात करेंगे। ये केस है एक लड़की, तो अबाउट 40 इयर्स के, सिंगिंग प्रोफेशन है इनका, और गले में पॉलिप हो गया, अब गाया नहीं जाता, रियाज नहीं किया जाता। और उनकी भी वैसी ही स्टोरी कि डॉक्टर साहब बड़े साल लगे यहां तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में। ये जो यहां वाला फैक्टर है, ये है डिलीवरी ग्रेट ही, कि आज मैं एक मुकाम पर खड़ी हूं। जो हमने पहला एक केस किया था उसमें भी ऐसे ही था ना, बहुत साल लगे मुझे यहां तक पहुंचने में, तो इसका भी यही था कि बहुत साल लगे मुझे यहां तक पहुंचने में, बड़े सालों से मैं सिंगिंग कर रही हूँ, 4 4 5 5 घंटे कंटिन्यूअसली। इनके जो, जब इनके कॉन्सर्ट्स होते हैं तो इनको 4 4 5 5 घंटे सिंग करना पड़ता है। इनके गले में एक पॉलिप था अबाउट 2 mm का। देखो, एक छोटा सा 2 mm का पॉलिप कितना बड़ी चीज कर जाता है कि उनकी आवाज ही निकलनी बंद हो गई। तो इनके बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ महीने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, कुछ देर इन्होंने होम्योपैथी भी ली, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया एंड बिल्कुल भी किसी भी उसमें कोई फर्क नहीं है। मेरी आवाज क्लियर ही नहीं होती, मैं गा ही नहीं सकती, मेरा तो गाना ही बंद हो गया। तो फिर उसके बाद हम पूछते हैं कि अपने स्वभाव के बारे में बताओ। इनकी फैमिली हिस्ट्री थोड़ी ऐसे ही, थोड़ा ठीक सा सिस्टम नहीं था। उनकी आवाज में मुझे थोड़ा ईगो ईगोइज्म लगा, कि ईगोटिज्म के थोड़ा खुद के बारे में, तो मैंने यहाँ पे वो भी रूब्रिक लिया। ये अपने ब्रदर के साथ रहती हैं और उनके बच्चों को ही इन्होंने अपना बच्चे बना के उनको पालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और बच्चा कोई बीमार हो जाए उसकी बहुत ज्यादा चिंता करनी एंड गुस्सा बहुत ज्यादा। लेकिन गुस्से के बाद अगर मैंने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया तो इतना गिल्ट होता है, हर एक की अपनी स्टोरी होती है। बेलरोना में गुस्सा आया, बोल दिया, बात खत्म। हिपर सेल में गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, गालियां निकाल दी, यहां तक कि उसको चाहे छुराई घोंप दे, इतना गुस्सा। यहां पर गुस्सा आया, बोल दिया और गिल्टी मार गया,
साहब के साथ बहुत ज्यादा पछतावा कि क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। रिमोर्स बहुत ज्यादा, रिपेंटेंस बहुत ज्यादा। और हर्मल्स कोई ज्यादा वो नहीं थे। सर्जरी से तो मैं डरती बहुत हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो वो तो मैं नहीं कराऊंगी। जितने भी ये वोकल कॉर्ड वाले पेशेंट्स होते हैं, वो कहते हैं छोटा सा ही सिस्ट है, छोटा सा ही नोड्यूल है, ट्यूमर है, या कुछ भी पॉलिप है, वो हम कर देंगे और सर्जरी कर देंगे और आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन सारे के सारे डरते इस बात से हैं कि कहीं अगर आवाज चली गई फिर तो काम खराब है। तो मैंने तो सर्जरी नहीं करवानी। बाय चांस कोई कट भी लग सकता है किसी तरह का, तो बच्चों के लिए भी मैं डरती हूँ कि बच्चे, अभी बच्चों का मैंने ध्यान रखना है, हालांकि उनके अपने बच्चे नहीं है, उनके भाई के बच्चे हैं। सो इस बेसिस के ऊपर मैंने कुछ रूब्रिक्स, पहला है पॉलिप, सेकंड है सिंगिंग। जो लोग सिंगिंग प्रोफेशन में होते हैं उनका मैं पक्का लेती हूँ सिंगिंग, क्योंकि सिंगिंग में काफी सारी 76 मेडिसिन्स है, तो सिंगिंग आपने जरूर लेना है, क्योंकि सिंगिंग उनका प्रोफेशन है, उनको पसंद है, वो गाना गाते हैं। नेक्स्ट इज डिल्यूजन, ग्रेट पर्सनलिटीज। मैं जो इस लेवल तक पहुंची हूँ बहुत मेहनत करके पहुंची, तो ये लेवल मेरी ग्रेटनेस है, डिल्यूजन, ग्रेट पर्सनलिटीज। एंड गुस्सा बहुत आना, बोल देना, और बाद में गिल्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। साथ के साथ गुस्सा, गुस्से के साथ पछतावा। ओहो, क्यों कहती है, नहीं कहना चाहिए था। इसमें 7-8 मेडिसिन्स हैं इस रूब्रिक में। हम रिमोर्स भी ले सकते हैं, रिपेंटेंस एंड रिमोर्स, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। दोनों का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो दोनों में पछतावा होता है कि मैंने जो किया गलत किया, नहीं करना चाहिए था। और रिपेंटेंस में पेशेंट सोचते हैं कि मैं आगे से ये सब नहीं करूंगा। छोटा रूब्रिक है, लेकिन रिमोर्स में गिल्ट, पछतावा, क्विक रिमोर्स, इजी रिमोर्स, रिमोर्स रिपेंट्स क्विकली, साथ के साथ। देन एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, क्योंकि वो चाहे भाई के बच्चे हैं लेकिन उनको अपना मानती है, तो एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, केयर्स वरीज फुल ऑफ, उनका ध्यान रखना, उनको स्कूल भेजना, उनकी ड्रेसेस तैयार करना, अगर बीमार हो गए तो भी उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। एंड ईगोटिज्म, मुझे उनके टोन में ये मैंने ऑब्जर्व किया कि यस शी हैज, यस आई एम समथिंग, आई एम। तो जब पेशेंट को लगता है कि आई एम समथिंग, तो वहां पर हम इगोटिज्म ले सकते हैं। जब ये सारे के सारे रूब्रिक्स डाले, इनकी ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री भी थी, तो आई टुक दैट रूब्रिक आल्सो। तो इनकी जो फर्स्ट मेडिसिन निकली, दैट वाज सल्फर। सल्फर में खुद को महान समझना, ईगोटिज्म, और बहुत ज्यादा रिपेंटेंस एंड क्विक, 2 मिनट में, 5 मिनट में, झट झट के झट, जल्दी के जल्दी, बहुत जल्दी। सो जब भी कोई ऐसे मेडिसिन इस तरह से निकलती है, तो मुझे कंफर्म होता है कि पेशेंट तो पक्का ठीक होएगा ही होएगा। बहुत केसेस में ऐसे होता है, तो यहाँ पे मुझे था कि ये ठीक हो जाएंगे। सल्फर 30 की दो डोज दी विद सेक्लेक, और पहली डोज फर्स्ट डे, सेकेंड डोज आफ्टर 15 डेज। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ दिनों के बाद, जस्ट जैसे वो 3 तारीख को, 8 तारीख को दवाई लिए, 15 को उन्होंने मुझे बोला कि फर्स्ट डोज लेने के बाद ही आई एम फीलिंग मच मच बेटर। तो मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो
फिर नेक्स्ट मंथ की उनकी मेडिसिन गई अगेन. आई डिड नॉट इंक्रीज द पोटेंसी, आई जस्ट गिव सल्फर 32 डोज अगेन. मैं बहुत बार ऐसे ही करती हूँ कि क्यों इतनी ज्यादा पेशेंट्स को दवाई देनी, तो 30 पोटेंसी तो से काम चल रहा है तो 30 दे दीजिए. तो मैंने यहाँ पर फिर से उनको 30 पोटेंसी की 2 डोज दी. उसके बाद उन्होंने कोई दवाई नहीं ली. और मुझे नेक्स्ट टाइम फोन आया कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका, उन्होंने हाथ जोड़ के कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मेरी आवाज आप वापस लेके आए. अभी मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने बहुत अच्छा गाया. ये कितने दिनों में हुआ? 8-1 से लेके 20-2 तक, जस्ट 1.5 महीना 1.5 महीना. दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी कि जब कोई पेशेंट ठीक होता है तो कितना क्विकली ठीक हो सकता है ये सिर्फ हमें पता है. एलोपैथी में तो बहुत बार दवाइयां लगातार लेते रहो, कितने कितने महीने लेते रहो, कभी इनहेलर लिया, कभी कोई एंटीबायोटिक्स लिए, कभी स्टीरॉइड्स लिए, कभी कुछ लिया. लेकिन जितना क्विकली होम्योपैथी में रिजल्ट मिलता है, मुझे लगता है किसी पैथी में नहीं मिलता. क्योंकि बाकी सभी जितने भी पैथीज हैं, आयुर्वेदिक ले लो, एलोपैथी ले लो, नेचुरोपैथी ले लो, सभी में क्रूड फॉर्म की ड्रग्स हैं. एक ड्रग कितना असर करती है, कितनी देर में करती है, वो उतना ही करेगी. लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें एनर्जी होती है. वो एनर्जी बॉडी में गई, वो 5 सेकंड में भी ठीक कर सकती है, 5 दिन में भी कर सकती है. अभी मुझे एक केस याद आया, मेरे एक डॉक्टर है, बड़ी बार ये भी मैंने केस बताया, उनके बहुत ज्यादा पेट में दर्द हुआ. हमारे डॉक्टर हैं इधर के, तो उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, तो उन्होंने एलोपैथी की कभी एक दवाई ली, वॉबरन का इंजेक्शन लगाया, पता नहीं क्या क्या, 1-1.5 घंटे से उनके पेन हो रहा था. तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि गाड़ी बाहर निकालो, अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इतना ज्यादा पेन हो रहा है. इतने में उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने फोन नहीं उठाया, उनके फिर से फोन किया, मैंने फिर नहीं उठाया. फिर मैंने अपने मन में सोचा कि 2 बार वो फोन करने वाले नहीं है, जरूर कोई जरूरी बात होगी. मैंने बीच में वो अपना जो मैं कर रही थी रोके, मैंने पहले उनको फोन किया. मैंने कहा आपने बार बार फोन किया, बताइए. कहते डॉक्टर इतनी सीवियर पेन है, इतनी सीवियर पेन है, बहुत ज्यादा, वॉर्फरिन का इंजेक्शन भी ले लिया. अभी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गाड़ी बाहर निकल, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कैमोमिला 30 की एक डोज में. जैसे उन्होंने टंग पे कैमोमिला 30 की एक डोज रखी, जस्ट 2 ड्रॉप्स, अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि गाड़ी दोबारा से अंदर कर दो, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज वॉट होम्योपैथी इज. आज एक सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो मिक्सोपैथी है, ये जो 10-10 दवाइयां देते हो, ये छोड़ के सिंगल मेडिसिन पे आओ, 2 दे दो. आपको लगता है कि आपकी एक मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं कर सकते, 2 दे दो, लेकिन कॉम्बिनेशंस जिसमें 10-10 दवाइयां है, लेकिन पेटेंट्स जिनमें 10-10 15-15 दवाइयां है, अवॉइड देम. मेरे क्लिनिक में आपको कहीं भी वो दवाइयां नहीं मिलेंगी, कोई टॉनिक नहीं मिलेगा, कोई कॉफ सिरप नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यूज ही नहीं करते. अगर कफ ठीक करने के लिए हमारे पास इतनी दवाइयां हैं, तो हमें क्या जरूरत है उन सब कफ सिरप की, या एल्फा माल्ट की, या एल्फा एल्फा टॉनिक की, या पता नहीं क्या क्या. सो प्लीज, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से के कम टू वन मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन, सिंगल डोज. हम तो डोज भी सिंगल ही देते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो, आपको लग रहा है आप जल्दी जल्दी इस सिस्टम पे नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप रिपीटेडली दे दो, लेकिन एटलीस्ट 10 दवाइयां रिपीटेडली मत दो. वो पेशेंट कभी ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि होम्योपैथी में कुछ क्रूड फॉर्म में हम एंटर नहीं कर रहे, हम एक एनर्जी को उसके अंदर भेज रहे हैं, पेशेंट के अंदर. वो कोई पेलाडोना की है, कोई सीपीए की है, कोई कैल्केरिया कार, कोई एक्को नहीं, कोई हिपर्स, और पता नहीं क्या क्या. अरे एट वन टाइम पे वन मेडिसिन देने की कोशिश करो.
ऐसे नहीं, ऐसे अगर होम्योपैथी को हमने ऊपर तक लेके जाना है तो हमें ही इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ होम्योपैथी। हम 30 साल से तो बिल्कुल ये माइंड सिस्टम पे आए हैं, तो प्रैक्टिस सिंगल मेडिसिन। आज मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहती हूँ कि पिछले 9 साल से अप्रोक्सीमेटली मैं ये रूब्रिक्स की डेली रूब्रिक जो डालते हैं, रूब्रिक फॉर टुडे, मैं डाल रही थी। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसकी एक बुक बनाएंगे, तो ये मेरी एक बुक है जो रिसेंटली अभी आने वाली है, जिस पब्लिश हो रही है। दिस इज गाइड टू रूब्रिक्स, होम्योपैथिक रिपोर्ट्री गाइड टू रूब्रिक्स। ये तकरीबन, जी मैं अभी बताती हूँ क्या वो मिला क्यों दिया है। ये तकरीबन बुक को बनने में मुझे 2 ढाई साल लग गए, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक शायद आएगी, तो मैं डिफरेंट ग्रुप्स पे डालूंगी, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। अभी क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि क्यों आपने कैमोमिला 30 दी। कैमोमिला बहुत इम्पेशेंट पर्सन होता है, और हमारे पास एक रूब्रिक है इम्पेशेंस। क्योर हिम एट वंस, पेशेंट इंसिस्ट दैट द डॉक्टर, के मैंने बोला आपको कि वो डॉक्टर अदरवाइज मुझे इतनी बार फोन करने वाले थे नहीं। वो एक ही बार फोन करके अगर मैंने नहीं उठाया तो वो वेट करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे 2 बार 3 बार फोन किया। दिस वॉज हर इम्पेशियंसनेस, दिस वॉज हर इम्पेशियंस। और क्या बोला कि डॉक्टर साहब फटाफट दवाई दो बस। मैंने हस्बैंड को बोला कि गाड़ी बाहर निकालो। सो हमारे पास एक रूब्रिक है इम्पेशियंस, क्योर्स हिम एट वंस, पेशेंट इंसिस्ट दैट द डॉक्टर। पेशेंट डॉक्टर को इंसिस्ट करते कि अभी के अभी मुझे अभी ठीक कर दो। एंड देर इज ओनली वन मेडिसिन दैट इज कैमोमिला, जो एक हम कैरेट डिजायर टू बी फास्ट लेते हैं, वो हम उसका मेटाफोरिकल मीनिंग लेते हैं कि मुझे कैरी करके यहां से तेजी से ले जाएंगे। वो डिफरेंट रूब्रिक है थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला रूब्रिक लेके और उनको कैमोमिला दी, और जैसे ही उन्होंने ड्रॉप्स डाले, अपने हस्बैंड को बोल दिया कि चलो जी गाड़ी अंदर कर दो, अब जरूरत नहीं। होम्योपैथी इस तरह से इफेक्ट करती है। अगर आप इसमें मेहनत करते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, अभी भी मेरे पास 3 4 केसेस पड़े हैं जो मैं दिखाना चाहती थी, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया। मुझे एक पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब मैं आपसे ठीक हुआ हूँ, मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ कि आप अपनी वीडियोस इतनी डालते हैं तो आप वीडियो डालो कि मेरा इस तरह से केस ठीक हुआ। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रीटमेंट तो शुरू करते हैं लेकिन 15 20 दिन के बाद खत्म कर देते, नहीं लेते। 50% पेशेंट्स इस तरह के होते हैं। लेकिन जो लगातार, जितने भी मैंने पेशेंट्स ये देखे हैं वोकल कॉर्ड वाले, सेम डे, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में 100% ठीक। कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी के, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा, कोई दवाई चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी किसी की। सो दिस इज ऑल इन टूडेज लेक्चर। आई थिंक आप सभी ने एंजॉय किया होगा। एंड नाउ ओवर टू द एडमिनिस्ट्रेटर जी। थैंक यू सो मच मैम। जी, अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हो। आप लिख के भी पूछ सकते हो, आप अपनी वीडियो ऑन करके भी पूछ सकते हो। जी कौन सर, सा सॉफ्टवेयर यूज करती है अटैच मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक कारा है एक रडार है। कारा तो 10 साल पुराना है, 10 नहीं 8 7 साल पुराना है। वो तो खत्म होगी, वो कंपनी खत्म होगी बाय चांस मेरे पास ही है, या जो भी पायरेटेड कुछ लोगों के पास है ये। एंड दूसरा मेरा रडार है, रडार में सिंथेसिस है, मर्फी है, ये सभी 3 4 मैं रेपोर्टरीज यूज करती हूँ। सिंथेसिस सबसे पहले मेरी फ्रंट पे होती है, एंड मर्फी एंड कंप्लीट एंड कंबाइंड, बस ये 3 4।
या जो केसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मैडम जिनमें रिश्तों वाली ज्यादा बातें होती हैं, उनमें मैं रडार यूज करती हूँ। जो जनरल से केसेस होते हैं उनमें मैं कारा यूज करती हाँ, थैंक यू मैडम। निशांत जी, आप सेशन को क्लोज करिए। मैडम को थैंक्स करते हुए, चूंकि समय हो चुका है, हम लोग जी। डॉक्टर धनेश को सेशन हैंड ओवर करेंगे। इंग्लिश सेशन का समय हो गया, समय की हम लोग के पास में लिमिटेशन है। तो मैडम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। जी आपने थैंक अभी, आपको अमेरिका जाना था, आपने मुझे जी, कहा जाना था। है तो मैंने कहा कि जाने के पहले हम लोग को कुछ गिफ्ट देनी चाहिए, तो जी, ये मेरी हाँ, 15th को मैंने जाना है, मैंने आपको बोला था कि आपने 15th बोला, के। आपने बोला था। जी। ठीक है मैडम, तो डॉक्टर निशांत, यू क्लोज द जी सेशन सर, नाउ। या जी सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। नाउ थैंक यू डॉक्टर, नाउ ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर योर इंग्लिश सेशन। यू कैन टेक ओवर द चार्ज नाउ। Thank you, Dr. Neelam, for a wonderful session in this evening in the Hindi session. And thank you, Sahani sir, for Thank you so much. Thank you. helping me. Yeah, thank And you. also, say thanks to Dr. Nishant Yes, Tak. thank you, Dr. Nishan, for moderating the session also. Good Yeah, evening. you can start the next session. Okay, then. Thank you so much. Yeah, Thank you. thank you.